नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देख न्यूज में। सरकार ने 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को मंजूरी दी है। जानकारी के मुताबिक अगले साल तक जेवर एयरपोर्ट और नवी मुंबई एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 6 एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने में अभी 3 साल तक का वक्त लगेगा। वहीं उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने कहा कि अगले साल दिसंबर तक नवी मुंबई और जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो सकता है। इसके अलावा अगस्त तक दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के एक्सपेंशन का काम और 4th रनवे का काम भी पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यह यमुना एक्सप्रेसवे से बेहद करीब है। इस एयरपोर्ट के ऑपरेशनल होने से न केवल पर्यटन बूम करेगा बल्कि रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह एयरपोर्ट 1334 एकड़ में बनाया जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट दुनिया के हाईटेक एयरपोर्ट्स की तर्ज पर बनाया जा रहा है। इसकी लागत लगभग 29,560 करोड़ रुपए है। इस एयरपोर्ट से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अलीगढ़, फरीदाबाद, आगरा और अन्य जगहों के लोगों को फायदा मिलेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि 2024 में नवी मुंबई एयरपोर्ट चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट चालू हो जाने से मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दबाव कम रहेगा। इसके अलावा यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस एयरपोर्ट की नींव रखी थी। इसके चल जाने से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन का बाजार बन जाएगा। इसके बाद अडानी समूह के पास 8 एयरपोर्ट हो जाएंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देख न्यूज़।